हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सभी प्रश्न के आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ नाम निम्न में से किस से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडी किला से लिया गया है चंडीगढ़ नाम। तो चंडीगढ़ नाम है जो कि चंडी के किले से लिया गया है, या एक प्राचीन मंदिर भी है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य की राजधानी भी है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पर 1921 में भारतीय स्टेट बैंक को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो कि तीन प्रेसिडेंसी बैंकों जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास का विलय द्वारा बनाया गया था और इसे 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, वास्तविक गति शुरू होने से पहले दो सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण की शक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थिर घर्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इस बार 2020 में विश्व अस्थमा दिवस 5 जून को मनाया गया है। तो 5 मई 2020 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है या हर वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का विषय था अस्थमा से अत्यधिक मौतें हैं। इस बार का विषय था, इस दिन का उद्देश्य होता है कि अस्थमा से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन जुटाना है। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के काल में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछलीपट्टनम में डच का प्रारंभिक उपनिवेश था। तो यहाँ पर भारत में डच ने 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1641 में बिमलीपट्टनम और 1653 में चिनसूरा में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था डच ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेवन, संविधान के किस भाग के अंतर्गत यूपीएससी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 14 के अंतर्गत यूपीएससी आता है। यहाँ पर अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के लेख में जिन्हें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का नाम दिया गया है, इसमें संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करते हैं। तो भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसमें उल्लेख किया गया है, जो कि यूपीएससी इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर एट, वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैनियल हैस ने वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से किस राजा को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1606 ईस्वी में
सिंहासन प्राप्त हुआ था, इस साल से ही हर्ष युग की शुरुआत हुई थी। इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इन्हीं के शासनकाल का प्रारंभिक इतिहास हर्षचरित्र नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान को मापने वाला उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो सभी ऑप्शन है ए बी सी, सभी यहां पर आपका सही आंसर है। तो थर्मोकपल, इंफ्रारेड सेंसर, वायुमेट्रिक डिवाइस, सभी के द्वारा तापमान को मापा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं थर्मोकपल वोल्टेज उपकरण का, जो वोल्टेज में बदलाव के साथ तापमान माप को इंगित करता है। जैसे कि तापमान बढ़ता जाता है, थर्मोकपल का आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। इंफ्रारेड सेंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सेंसर इसके रेडिएशन को आधार बनाकर तापमान बताता है। वायुमेट्रिक डिवाइस के द्वारा गर्म होने पर धातुओं के विस्तार से उसकी माप करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 21 निम्न में से कौन से अधिकार का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन करता है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य किसके माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है सूर्य। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1855 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये इस्लामी सुधारवादी दार्शनिक थे और पहले जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के अलग राष्ट्र के सिद्धांत को टू नेशन सिद्धांत के नाम दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3475 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 17, आइजोल निम्न में से भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आइजोल है जो कि मिजोरम राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18, खमीर किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है खमीर। क्वेश्चन नंबर 19, मोटरसाइकिलों में उत्तर आयनों को पीछे देखने के आयने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी यहां पर दोनों सही आंसर होगा। तो इसमें सीधी आकृति दिखती है और इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
कौन सा अनुच्छेद? 243 जी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो भारत का चुनाव आयोग अस्थाई संवैधानिक निकाय है, तो यहां पे से भी आपका एक प्रश्न बनता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो कैसा निकाय है, तो वो संवैधानिक निकाय है। यह 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था। आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। तो प्रतिरोध की मापने की इकाई है ओम। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधिनियम केंद्र एवं प्रांतों के बीच की विधायी शक्तियों को विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र एवं प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजित किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया है। अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम कानून बन गया था और इसे आखिरी प्रमुख कानून था जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी से पहले पारित किया था। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।